जितने इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि संख्या पद्धति का ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो आज के बाद संख्या पद्धति से जुड़े जितने भी डेफिनेशन यानी परिभाषाएं होती हैं उसको देखने के लिए आपको कहीं दूसरे जगह भटकना नहीं पड़ेगा। तो पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, संख्या पद्धति से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है, परिभाषाएँ हैं, आपको सिर्फ वीडियो को देख लेने के बाद पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आपको याद रखना है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। और देखिए गिनने की जो संख्या की शुरुआत होती है, हम लोग संख्याओं को जब गिनने की बात करते हैं तो संख्याओं को गिनने की शुरुआत कहाँ से करते हैं, एक से शुरुआत करते हैं। और कहाँ तक गिनते जाते हैं, इसको हम इनफाइनाइट तक गिनते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो गया, एक हो गया। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की कल्पना करना संभव नहीं है, असंभव है। यानी सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है, इसको इनफाइनाइट बोला जाता है। आपको याद रखना है इस बात को। ठीक है, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और प्राकृत संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है। और प्राकृत संख्या को एन से सूचित किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होगी या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होगी यानी इनफाइनाइट होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है और पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं तो प्राकृत संख्या के पहले शून्य को शामिल करके गिनने को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब ये हुआ कि प्राकृत संख्या जो भी हम लोग लेते हैं उसमें शून्य शामिल करके जब हम लोग गिनते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये तो प्राकृत संख्या है। लेकिन जैसे ही इसके पहले शून्य लगा दिया गया तो ये क्या बन गया, पूर्ण संख्या बन गया। प्राकृत संख्या की जब शुरुआत हुआ था ना तो 1 से लेकर 9 तक ही संख्याएं बनी थी, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि ये पूर्ण नहीं है, इसीलिए इसको पूर्ण बनाने के लिए शून्य लगाया गया है। तो अभी हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को लिखते हैं। तो आपको बस यही याद रखना है इसमें क्या कि सब, और एक प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटिव अर्थात अनंत होती है। और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है, इस बात को भी आपको याद रखना है। और यहाँ से एक निष्कर्ष ये भी निकल सकता है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएँ होती हैं, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल होती हैं। क्योंकि 1 2 3 4 से लेकर जितनी भी संख्याएं लेंगे सब तो पूर्ण संख्या में आ ही जाएगा। लेकिन फिर दोबारा प्रश्न ये भी उठेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 शामिल होता है जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होता है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक क्या होता है इसके बारे में जानना है हमें। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है। ठीक है, और इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक समूह को पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक को आई या जेड से सूचित किया जाता है। किसे सूचित किया जाता है, आई या जेड से सूचित किया जाता है। और पूर्णांक में जैसे क्या शामिल हो गया, पूर्णांक संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक समूह, संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक समूह, जैसे कि -3 हो गया, -2 हो गया, फिर -1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 2 3 डॉट डॉट ऐसे ही बढ़ता गया। अब इधर मान के चलिए माइनस इनफाइनाइट है और इधर प्लस इनफाइनाइट है। तो पूर्णांक में क्या होता है कि माइनस और प्लस और 0 यही संख्याएं शामिल होती है। पूर्णांक का मतलब आपको ध्यान रखना है कि पूर्णांक में कौन कौन संख्याएं शामिल होगी, तो माइनस में संख्याएं शामिल होगी, प्लस में शामिल होगी और 0 भी शामिल होगा। ठीक है, और पूर्णांक को आई या जेड से सूचित करते हैं। और सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, छोटा पूर्णांक माइनस इन्फिनिटी होगा और सबसे बड़ा पूर्णांक प्लस इन्फिनिटी होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेता हूँ सम संख्या के बारे में। ठीक है, तो सम संख्या का अंग्रेजी में इवेन नंबर कहा जाता है। और सम संख्या को परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं 2 4 6 डॉट डॉट, मतलब ये जितनी भी संख्याएं हैं इसमें क्या होगा कि 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। जैसे 2 4 6 8 10, आपको मालूम होगा कि जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होता है उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है।
और अब मैं आपको सबसे बड़ा फैक्ट बता देना चाहता हूँ कि जीरो भी एक क्या है, सम संख्या है, क्योंकि जीरो में भी क्या होता है, दो से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तभी तो इसका वैल्यू जीरो होता है। तो जीरो भी क्या हो गया, सम संख्या हो गया। ठीक है, तो अब पूछा जाए कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होता है, तो जीरो बोल सकते हैं। सबसे बड़ा क्या होगा, अनंत होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूँ विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को अंग्रेजी में ओड नंबर कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, विषम संख्या को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, ओड नंबर कहा जाता है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार हुआ कि जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं। जैसे सबसे छोटा विषम संख्या एक होता है, एक में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसके बाद एक, तीन, पाँच, सात, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यानी इसमें क्या होता है कि संख्याओं के बीच में दो दो का अंतर होता है। जैसे एक और तीन के बीच दो का अंतर है, तीन और पाँच के बीच दो का अंतर है। सबसे छोटी विषम संख्या एक हो गया। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं यानी ओड नंबर कहते हैं। कहता हूँ अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहा जाता है। और ये प्राइम नंबर क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जिस संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, जिस संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैं इसका परिभाषा के अंतर्गत उदाहरण क्या हो सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है। अब देखिए दो में कितना कितना से भाग लगेगा, दो में एक से भाग लगेगा, फिर दो से भाग लगेगा। अब परिभाषा भी इसका वही है कि जिस संख्या में मतलब दो में सिर्फ एक से और फिर दो से मतलब स्वयं से मतलब इसमें एक से भाग लगेगा और फिर दो से भाग लगेगा। अच्छा, इसका दूसरा परिभाषा है कि जिस संख्या के सिर्फ दो ही गुणनखंड है, और दो के तो दो ही गुणनखंड है ना, एक और दो, तो इसीलिए क्या हो गया, दो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। उसी प्रकार अगर हम 17 ले लें तो 17 में कितना कितना से भाग लगेगा, एक से भाग लगेगा और 17 से भाग लगेगा। मतलब किसी भी परिस्थिति में अभाज्य संख्या में क्या होगा कि दो ही संख्या से भाग लगेगा। आपको ध्यान रखना है कि जिस संख्या में दो ही संख्या से भाग लगे पूरा पूरा उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या से रिलेटेड एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, मैं सम अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूँ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो दो होता है। ठीक है ना, दो सम भी है और अभाज्य भी संख्या है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, इस फैक्ट को। और इसमें भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की कल्पना करना संभव नहीं है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत होता है, इसको ऐसे डिनोटेड किया जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ सह अभाज्य संख्या के बारे में। सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहा जाता है। सह अभाज्य संख्या को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, दो या दो से अधिक वे प्रकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। दो या दो से अधिक कोई भी प्रकृत संख्या ले लीजिए, उसमें एक के अतिरिक्त कोई भी, समझिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या हो, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या कॉमन नहीं हो, इसको कहा जाता है। या आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक वे प्रकृत संख्या जिनका मसह एक हो उसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। जैसे अब हम यहाँ पहले लेते हैं दो और तीन। ठीक है, तो दो और तीन को हम लोग क्या कहेंगे, दो और तीन को सह अभाज्य संख्या कहेंगे, क्योंकि देखिए दो और तीन में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या कॉमन नहीं है, चाहे इनका मसह भी निकालिएगा तभी एक ही आएगा। और दो या दो से अधिक भी संख्या कैसे, जैसे मान के चलिए तीन, चार, पाँच, ये भी सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य के मतलब क्या हो, दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं, कितना भी संख्या ले लीजिए, बस उनका मसह एक होना चाहिए और उनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड भी एक ही होना चाहिए, एक के अलावा दूसरा नहीं होना चाहिए। इसमें भी उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, एक है, इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया सह अभाज्य संख्या। अगर हम यहाँ पर दो और चार ले लेते हैं तो क्या ये सह अभाज्य संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या कॉमन है, दो कॉमन है, और नियम सूत्र में क्या है कि एक ही कॉमन होना चाहिए, इसीलिए सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको भाई दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है, और परिमेय संख्या का डेफिनेशन इस प्रकार होता है कि जिस संख्या को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है, और Q जीरो के बराबर नहीं है, उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे मैं उदाहरण में ले लीजिए,
परिमेय संख्या को हमें डिफाइन करना है, जिस संख्या को पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। आपको पी और क्यू सभी जगह मिलेगा। और देखिए पी और क्यू क्या होता है, पूर्णांक होता है ना, तो पूर्णांक यहाँ पर क्यों लिखा गया है, पूर्णांक किसी लिखा गया है क्योंकि पूर्णांक में क्या होता है कि जीरो माइनस और प्लस सब आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर माना किया जा रहा है कि क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। अपने लाइफ में कभी भी ये बटा में जीरो मत लगाइएगा, नहीं तो न तो परिमेय संख्या होगा न ही अपरिमेय संख्या होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान के चलिए हम ले लेते हैं माइनस तीन बटा चार, अब पूछा जाए कि क्या यह परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तीन बटा जीरो, क्या यह परिमेय संख्या है, नहीं परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ गया, क्यू का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। उसी प्रकार हम यहाँ पर ले लेते हैं आठ बटे माइनस सात, यही परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है। नीचे आपको बस ध्यान रखना है कि नीचे क्या हो, जीरो ना हो, जिसको पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसको उसी को क्या कहा जाता है, परिमेय संख्या हो कहा जाता है। और परिमेय संख्या के बारे में एक और चीज ध्यान रखेंगे, परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, कहता हूं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, ठीक है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब मैं बात कर लेता हूं अपरिमेय संख्या के बारे में, तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो वैसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां q नॉट इक्वल टू जीरो हो, उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे अगर हम यहां पर लिख देते हैं कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं, जैसे अब यहां पर हम ले लेते हैं रूट दो, रूट दो ले लेते हैं, रूट तीन ले लेते हैं, रूट पाँच ले लेते हैं, रूट सात, ये सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, अब क्योंकि जब रूट दो और रूट तीन रूट पाँच रूट सात का जब हम वैल्यू निकालते हैं तो कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, पूरा पूरा नहीं कटता है, ये इसका कहाँ तक अंत होगा ये मालूम नहीं है, तो इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या। एक और बात का ध्यान रखेंगे कि नीचे क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अब मान के चलिए कोई भी हम अपरिमेय संख्या लेते हैं, नीचे क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे अब रूट दो बटा जीरो हम लिख दिए, तो क्या ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। रूट तीन के नीचे अगर हम पाँच लगा दें तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर हम जीरो लगा देंगे रूट पाँच के नीचे तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। रूट सात के नीचे अगर हम आठ लगाते ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या हो, चाहे दोनों कोई भी संख्या हो, परिमेय हो या अपरिमेय हो, नीचे आपको ध्यान यही देना है कि क्यू का मान या नीचे वाला जो मान है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ही जीरो के इक्वल होगा न तो परिमेय होगा और न ही अपरिमेय होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अशांत अनावर्ती होता है। तो आइए दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ जुड़वा आभास संख्या के बारे में। जुड़वा आभास संख्या जिसको अंग्रेजी में ट्विन प्राइम नंबर कहा जाता है, तो जुड़वा आभास संख्या की परिभाषा इस प्रकार होती है कि जब दो आभास संख्याओं के बीच का अंतर दो होता है, जब दो आभास संख्याओं के वैसी दो आभास संख्या जिनके बीच का अंतर दो हो, उसे जुड़वा आभास संख्या कहते हैं जैसे अब मान के चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं दो और पाँच, तो दो और पाँच के बीच कितना का अंतर है, दो का अंतर है, ठीक है। और दूसरा उदाहरण लेते हैं जैसे पाँच और सात, ये भी क्या है, जुड़वा आभास संख्या है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, दो का अंतर है। तो आभास जुड़वा आभास संख्या का परिभाषा ही है कि जब दो आभास संख्याओं के बीच का अंतर दो होता है उसे क्या कहते हैं, जुड़वा आभास संख्या कहते हैं। जैसे मैं दो और पाँच, पाँच और सात, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, दो दो का डिफरेंस है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब मैं अगला डेफिनेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। हमारा अगला डेफिनेशन है काल्पनिक संख्या, इसको अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, तो जब ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल लेकर लिखा जाता है तो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब ऋणात्मक संख्याओं को वर्गमूल के रूप में लिखा जाता है तब उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे संख्या ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं, जैसे माइनस रूट पाँच, इसको रूट के अंदर लिखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे, यानी काल्पनिक संख्या। कोई भी संख्या ले लीजिए, ठीक है, और मान के चलिए कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे माइनस चार ले लिए, इसके ऊपर रूट चढ़ा दीजिए, तो ये भी क्या हो गया, काल्पनिक संख्या हो गया। रूट के अंदर कोई भी संख्या माइनस में लिखा रहेगा तो समझिए कि वो इमेजिनरी नंबर है, यानी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ वास्तविक संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को वास्तविक संख्या कहते हैं, यानी वास्तविक संख्या एक प्रकार से संख्याओं का खजाना है, और वास्तविक संख्या
को आर से सूचित किया जाता है। आपको इस बात को भी ध्यान रखना है, वास्तविक संख्या को आर से सूचित किया जाता है और आर मतलब रियल नंबर होता है। वास्तविक संख्या संख्याओं का खजाना है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय, अपरिमेय, सम, विषम, अभाज्य सब संख्या आ जाता है। क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए चलिए कि वास्तविक संख्या की बात किया जा रहा है, इसमें क्या होता है कि दशमलव में भी कोई संख्या आ जाएगा, रूट में भी आ जाएगा, तीन बटे चार भी आ जाएगा, दशमलव में कोई भी संख्या आ सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ सबसे आखिरी में कि ये जो पाई होता है, पाई क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 चाहे 3.14, ये दोनों की दोनों संख्याएँ क्या होती हैं, ये परिमेय संख्या होती है। ये सबसे बड़ा फैक्ट आपको याद रखना है। बहुत बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर, तो इस बात को आपको यहाँ पर गलती नहीं करना है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 3.14 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और पाई अपरिमेय संख्या इसलिए कहा जाता है क्योंकि वृत्त का जो परिधि होता है और वृत्त का जो व्यास, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, इसीलिए पाई को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने जो भी जानकारी दिया हूँ आपको 100% समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।